नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनदीप गौतम। इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में, जहां से हम लोगों से जानेंगे उनकी चुनाव को लेकर क्या है राय। मेरा नाम जनकराज शर्मा है। कितने साल हो गए सर चंडीगढ़ में रहते हैं? चंडीगढ़ तो मैं 1960 का आया हुआ हूं। तो क्या कुछ बदलाव देखा सर चंडीगढ़? चंडीगढ़ में बदलाव ये देखा कि अब जो पिछले 5 साल से सरकार आई हुई है, इसमें कोई खास अचीवमेंट भी हमने देखी। इस वक्त मैं 75 एज क्रॉस कर गया हूँ और मैंने जो अब उथल पुथल देखी है वो पहले कभी नहीं देखी। तो भाजपा के कार्यकाल में मतलब काफी कुछ उथल पुथल हुई है, जैसे कि हमारे चंडीगढ़ में, हम चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के मुकाबले में रह रहे हैं, इसमें उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स ये बीजेपी सरकार ने लगाया और इसके अलावा पानी के बिल हो गए, अपने टेलीफोन के बिल हो गए, दूसरा बिजली के बिल हो गए, इनके रेट देखो अपने आसमान को छू रहे हैं। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने काम भी थोड़े से ठीक किए हुए हैं, वो ऐसे के संपर्क सेंटर इन्होंने हर सेक्टर में बनाए हुए हैं, जहां हमें बिजली पानी के बिल वगैरह देने में हरी सुविधा होती है। पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था। ऑन दी होल ओवरऑल ये जो अपने सरकार आई है, कोई खास बढ़िया जितनी लोगों को उम्मीद थी वो साबित नहीं हुई। किस पार्टी का जोड़ है? 19 तारीख को जो चुनाव होने हैं उसमें इस टाइम चंडीगढ़ में कांग्रेस की हवा पूरे जोर से है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा जो एमपी है उसने चंडीगढ़ के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया और उसने यहाँ के रेजिडेंट से बहुत दूरी बना के रखी हुई है। और वेयर है जो पवन बंसल कांग्रेस के हैं वो यहीं के रहने वाले हैं और पिछले 20 साल से वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ की मौजूदा परिस्थितियां भी पता है। नो डाउट सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहां तक डेवलपमेंट के काम है वो भी पूरी तरह इसलिए नहीं हो सके क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे कॉर्पोरेशन में फंड्स नहीं आए हैं और फंड्स ना आने की वजह से जो चंडीगढ़ की है वो दूरदर्शा काफी हुई है। इसके अलावा ये है कि जो आईटी सेक्टर वगैरह यहाँ शुरू हुआ था उसमें भी कुछ नहीं बना। आज हमारे चंडीगढ़ के जो हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं उनको दूसरे स्टेट्स में जाके, दूसरे कंट्री में जाके शिक्षा लेनी पड़ती है, जबकि सिटी ब्यूटीफुल ऐसा था, सेल्फ वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ का एक नाम था इस शहर का और लोगों को और बच्चों को बहुत सारी उम्मीदें थी यहाँ से। मेरा नाम हरवंश है। आप चंडीगढ़ में कितने साल से? अच्छा सर, चुनाव को लेकर लोगों में क्या सोच रहे हैं? चुनाव में जो पिछली दफा चुनाव हुए थे जब लोग चेंजिंग चाहते थे, चेंज होने की वजह बीजेपी सरकार जब बनी पूरे इनमें बहुत से सेंटर में आई, तो आने के बाद जो किरण खैर मैडम बॉम्बे से आई थी वो उन्होंने आके इधर इलेक्शन जीता है। जीतने के बाद ऐसे भी जैसे ये 22 पिंड है यूपी में लगते हैं, तो कहीं मीटिंग हुई थी, उनको पूछा भी फलाना गांव का नाम क्या है, उनको पिंड का नाम का नहीं पता था, उनको लाल डोरे का नहीं पता भी लाल डोरा क्या होता है। जब रहे नहीं वो शहर में रहे, बॉम्बे में रहे, वो पिंडों के बारे और शहर के बारे समस्या का नहीं पता था। जो इधर बांसल जी 78 से इधर प्रॉपर पॉलिटिक्स में चल रहे हैं और पढ़े लिखे अच्छे नेता है, शुरू से ही वकील वकालत भी करी हुई है, उन्होंने हर एक सेक्टर में हर एक गांव में सबका प्रॉपर नाम लेके जानते हो, फलाना आदमी फलाने गांव का ये नाम है जी। और समस्या जिमीदारों की, लाल डोरे की, और शहर में कहाँ कहाँ कोई पार्किंग या कुछ सबके बारे में तो नॉलेज है। तो अच्छे दिन पे क्या कहेंगे, आम लोगों के लिए अच्छे दिन आ चुके हैं। नोटबंदी, जीएसटी, नोटबंदी की बात यह है कि नवंबर 8 या 9 आए थे, तो उसी महीने में अपने बेटे की मैरिज मार्क्स की थी, दिक्कत तो हुई है नोटबंदी पर फिर भी चल गया इस बात में। तो काले धन की बात कही थी भाजपा ने कि काला धन वापस लेके आएंगे, तो क्या लगता है काला धन वापस आया? अभी तो जा रहा है, जब आएगा देखिए। तो चंडीगढ़ से सांसद किरण मैम और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बंसल जी, किनका कार्यकाल आपको अच्छा लगा? पवन बंसल जी ने भी काफी मेहनत की है, बहुत कुछ किया उन्होंने और
ये भी कोशिश कर रही है किरण खेर जी, पर आपको बताया बिना फंड के कोई काम नहीं होता, ऐसे आएंगे हाथ में तभी कोई सौदा लेगा, ऐसे ही नहीं है तो क्या करेंगे। शर्मा जी, इस बार चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में क्या माहौल बना हुआ? जो आज की पोजीशन है वो तो कांग्रेस के फेवर में। कांग्रेस में क्यों सर? हवा चल रही है कांग्रेस से, लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं। हाँ, क्यों? बाकी भाजपा के बाकी ये है कि भाई जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो लोकल है, और हर आदमी ये चाहता है कि हम उस आदमी को लाएं जिससे इजीली अप्रोच हो सके, मिल सके, उनको कहीं भी टाइम बुलाना पड़े एकदम आ जाए, लोकल है और एक्सपीरियंस है। चंडीगढ़ में रोजगार को लेकर क्या कुछ होना चाहिए? रोजगार के लिए ये है ना जी, अब जी सरकारें आती हैं, इन्होंने ना नौकरी देनी बंद कर दी सरकारी नौकरी, बस जो रिटायर होते रहते हैं हर साल, बस तो देश में क्या चंडीगढ़ में या पंजाब में हरियाणा में ले लो, हजारों आदमी हर साल रिटायर होते हैं, उनकी जगह बिल्कुल भर्ती नहीं होती, अगर भर्ती हो तो रोजगार अपने आप मिलेगा लोगों को, सरकारी नौकरियां बंद कर दी जस्ट लेके। तो आपको क्या कहना है कि सरकारी नौकरी को ऐसे रखना चाहिए? नहीं, सरकारी नौकरियां लोगों दो लोग निकालो जो जैसे रिटायर होते रहते हैं, बेस पे रखे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा है या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट बेस का फायदा कोई नहीं है जी, जैसे जैसे 5,000-10,000 रुपए मिलते हैं किसी को, उन 10,000-5,000 में क्या एक लड़का किस मिल रही है उसको क्या करेगा, 10,000 में करेगा करेगा, उसने रहना भी है, शादी करनी है, चलो माँ बाप है उसका करना है, करेगा क्या करेगा 10,000 में, अब 10,000 भी नहीं मिलते किसी को, बोले 5,000 या 10,000 मिलते हैं, कई बार तो 5,000 देते हैं वो भी, कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेते हैं, जैसे ये कोई कॉन्ट्रैक्ट रख लिया उसको 20,000 पे रख लिया, उसको कहते हैं 10,000 देंगे, 10,000 तो साइन 20,000 कराएंगे, 10,000 देंगे कॉन्ट्रैक्ट पर, ये भी लोग मतलब एक्सप्लाइटेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट पर। हरप्रीत सिंह, सर 19 मई को लोकसभा चुनाव होने वाले, तो आपको क्या लगता है चंडीगढ़ में किसकी सरकार आएगी? देखो ऑब्वियस है कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस क्यों सर? लोग हमेशा चेंज चाहते हैं, चेंज तो क्या भाजपा भी काफी सालों के बाद आई, तो भाजपा ने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग उससे संतुष्ट हो? मुझे तो नहीं ऐसा लगता, क्योंकि मैंने खुद पिछले 5 साल भाजपा का साथ दिया, पूरे जोर शोर के साथ दिया, तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया अभी उन्होंने कुछ किया, उन्होंने किए होंगे छोटे छोटे कार्य पर कोई मेजर कार्य नहीं हुआ जो लोगों के हित में। तो इस बार देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं? बिल्कुल राहुल गांधी। अगर वो सत्ता में आए क्या लगता है आपको, क्या कुछ बदलाव होगा हमारे देश में? बिल्कुल होगा। ठीक है सर, व्यापारियों और रेडी फड़ी वाले के बीच अक्सर विवाद बने रहते हैं कि व्यापारी बोलते हैं ये हमारी दुकान के सामने ना बैठे, इनके बैठने से हमारे रोजगार पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको क्या लगता है? इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जो एक्ट बना हुआ है रेडी फड़ी वालों के लिए, उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन चंडीगढ़ में हो चुकी है, और उसमें एक टाउन वेंडिंग कमेटी इन्होंने चंडीगढ़ के लिए बनाई हुई है जिसका मैं मेंबर भी हूं, और बीइंग मेंबर होने के लिए इन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये किया था कि इनको बाकायदा इनसे नोटिफाई किया, रूल्स रेगुलेशन नोटिफाई किए, उनसे ऑब्जेक्शन मांगे गए, और उसकी बाकायदा गजट नोटिफिकेशन किया गया, और पूरी उसको पब्लिक साइज करने के बाद उस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें ये प्रोविजन है कि यहां पे सर्वे किया गया था, 25,000 के करीब सर्वे में वेंडर आए थे यहाँ पे, और उन वेंडर्स के लाइसेंस बनाए गए थे, और जिनके लाइसेंस बन चुके हैं उनको हर महीने फीस देनी पड़ रही है, और उनको ये कहा था कि हम आपको एडिशनल साइट्स अलाट करेंगे, जो चंडीगढ़ प्रशासन का टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि लैंड का जमीन का सारा रख रखाव उनके पास है, उन्होंने ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जगह अलाट करनी थी, जहां जगह उन्होंने टेम्परेरी तौर पे जगह अलाट की वहां वहां पे इन्होंने 5x6 का हर फड़ी वाले को एक साइज अलाट कर दी, और उसका बाकायदा ट्रांसपेरेंसी करके कमेटी बनाने के बाद उसका ड्रॉ निकाला गया, जितने भी लाइसेंस होल्डर थे सबका ड्रा निकाला गया, सबको ये साइड अलाट कर दी गई। तो चंडीगढ़ में पिछले 5 साल में भाजपा के कार्यकाल में क्या कुछ चेंजेस आए?
कुछ चेंज नहीं आए, जो काम अधूरे पड़े हैं ऐसे पड़े हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, जो पढ़े लिखे हैं इतने बच्चे धक्के खा रहे हैं, जो प्राइवेट जो उनको 5-5, 7-7 हज़ार में लग रहे हैं, बुरा ही हाल है बीजेपी का। सारे हमारे ग्राउंड देख लो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कारपेटिंग 5-10 साल हो गए, हुई नहीं दोबारा। पार्कों का हाल देख लो, बुरा हाल है। कहते हैं करेंगे करेंगे, कोई नहीं करता, आते ही नहीं मुल्क इधर, खैर जी कभी आए ही नहीं इधर हमारे पास। कांग्रेस के राज में क्या कुछ यहाँ के 40 के हालात ठीक थे? कांग्रेस के साथ फिर भी थोड़े बढ़िया थे। तो क्या चाहते हैं कि कांग्रेस, आपको क्या लगता है पूरे देश में किसकी हवा? मैं तो हवा कहूँगा कांग्रेस की चल रही है हवा। तो इधर से ही हमारे जो MP हैं पवन बंसल जी, वो भी भारी बम्बर से इधर से 1,25,000 से क्रिकेट लीड पे जीतेंगे अपने नाम से, कह रहे मुझे लग रहा है। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मंदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।